नमस्कार, आज हम आपको शेडिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, कैसे किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट्स अपना प्रभाव देता है और शेड कैसे होता है, कास्ट शैडो कैसे दिखेगा। आप वीडियोस को ध्यान से देखते जाएं और जो भी दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम एक लाइट का डायरेक्शन लेंगे, जैसे कि लाइट का डायरेक्शन ये है, ये एक सोर्स है जिससे लाइट आ रहा है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यदि ओपेक है, ओपेक मतलब अपारदर्शी, तो ये लाइट इस सरफेस पे जाएगा और इसके आधे सरफेस को कवर करेगा। ठीक इसका वो सरफेस जहां पे लाइट नहीं जाएगा वहां हो जाएगा शेड। तो हम पेंसिल से ऐसे लाइन से हम इसको शेड दिखा रहे हैं। ये मेरा लाइट का डायरेक्शन हुआ, लाइट का डायरेक्शन इस साइड से है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का ये वाला पोर्शन लाइट दिख रहा है और ठीक इसके पीछे वाला पोर्शन शेड दिख रहा है, यानी इसमें छाया दिख रहा है। अब इसका कास्ट शैडो हमको बनाने हैं। तो कास्ट शैडो यानी परछाई जिसको हम बोल सकते हैं, कास्ट शैडो कैसे बनेगा तो ये डिपेंड करेगा लाइट के डायरेक्शन पे। अगर लाइट का डायरेक्शन अगर ऐसे आ रहा है तो कास्ट शैडो इतना बनेगा, अगर लाइट का डायरेक्शन अगर ऐसे जाएगा तो कास्ट शैडो इतना बड़ा बनेगा। तो ये मेरा लाइट का डायरेक्शन था, तो कास्ट शैडो मेरा यहां होगा। इसको हम लाइट्स, इसको हम लोग शेड और इसको कास्ट शैडो बोल सकते हैं। इसी तरह दूसरा अगर ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, अगर लाइट का डायरेक्शन इस दिशा से है, अगर लाइट का डायरेक्शन ये हुआ तो इसके सामने वाला सरफेस पे पूरा लाइट होगा और ठीक इसके बगल वाले पे हल्का शेड होगा, ये हल्का शेड होगा। और ठीक इस डायरेक्शन से इसका कास्ट शैडो होगा। तो ये आपको पता चल गया कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आता है, अपना प्रभाव कैसे दिखाता है और कैसे शेड होते हैं और कैसे कास्ट शैडो होते हैं। ये चीज आपको ड्राइंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझे और कोशिश करें ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे लाइट्स देने के लिए और मेजरमेंट के हिसाब से उसका कैसे कास्ट शैडो होगा और कहां शेड होगा। शेडिंग में एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है और आप देखेंगे कि पूरा शेड मैंने किया हुआ है, ये पूरा शेड दिख रहा है और ये कास्ट शैडो दिख रहा है, लाइट का डायरेक्शन ये है। अब मैं एक इरेजर लूंगा और इरेजर से यहाँ पे एक व्हाइट पोर्शन को बनाऊंगा, ये मेरा होता है हाईलाइट। हाईलाइट मतलब होता है चमक। जैसे कि आप एक जूता देखेंगे जो ब्लैक कलर का होगा और जैसे उसको हम पॉलिश करेंगे तो जूता तो ब्लैक होता है लेकिन जब उस पर चमक होता है वो व्हाइट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चमक होता है वो रोशनी के जैसा होता है, यानी कि व्हाइट हो सकता है, येलोइस्ट हो सकता है। तो जो चमक होता है ना, जो चमक होता है उस चमक को हम लोग बोलते हैं हाईलाइट और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पेंटिंग में जब फाइनल टच वगैरह देना होता है तो आपको हाइलाइट्स देना बहुत जरूरी है। हाइलाइट से क्या होता है कि पेंटिंग या फिर ड्राइंग का डिटेलिंग पता चलता है। तो आप हाइलाइट्स भी देंगे और बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को आप शेड करेंगे, उसमें लाइट्स का इफेक्ट दिखाएंगे, हाइलाइट्स का इफेक्ट दिखाएंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर ड्राइंग अच्छा से आने लगेगा और
आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। तब तक आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगला वीडियोस में जल्द से जल्द आ रहा हूँ।